इंडिया के ऑल फॉर्मेट कप्तान ने कर दिया है ऐलान, युवा हार्दिक पंड्या को नहीं देंगे T20 टीम की कमान। I have not decided to give up the format. साल 2022 में T20 वर्ल्ड कप की हार के बाद टीम इंडिया में बदलाव की सुगबुगाहट थी। खबर थी कि सब कुछ बदल जाएगा, सिलेक्टर्स बदल जाएंगे, T20 टीम का कप्तान बदल जाएगा, T20 की पूरी टीम बदल जाएगी। नए साल में श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में टीम इंडिया को नया कप्तान भी मिला, युवा टीम भी मिली, BCCI ने सिलेक्टर्स को भी बर्खास्त कर दिया। लेकिन एक बार फिर से चेतन शर्मा को BCCI ने सीनियर सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बना दिया। इसी तरह श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। उनसे पूछा गया कि क्या वो और तमाम सीनियर खिलाड़ी अब T20 क्रिकेट से दूर रहेंगे। रोहित ने जो जवाब दिया उससे आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने साफ कर दिया कि सिर्फ वर्कलोड मैनेज करने के लिए ही सीनियर खिलाड़ी बाहर थे और वनडे वर्ल्ड कप के साल सीनियर खिलाड़ी वनडे में ज्यादा ध्यान देंगे। साथ ही T20 कप्तानी पर भी रोहित ने हर किसी के डाउट को क्लियर कर दिया। Yes. Yeah. At the moment, like I think it was made clear at the past that it's a World Cup year for us, 50 over World Cup, and for some of the guys, it's not possible to play all forms. And if you look at the schedule, matches are back to back. So we decided on, you know, just looking at some players' workload. We wanted to make sure that we give them enough break time and manage them. So, and I definitely fall in that as well. And we have only 6 T20s, 3 is over. We have 3 against New Zealand. So we'll manage, to look after those boys till we get into the IPL. And we'll see what happens after IPL. But certainly, I've not decided to give up the format. साफ है, रोहित शर्मा ने ना T20 क्रिकेट की कप्तानी छोड़ी है और ना ही किसी और सीनियर खिलाड़ी ने ये फॉर्मेट छोड़ा है। इस साल वनडे वर्ल्ड कप होने की वजह से युवा खिलाड़ियों को T20 क्रिकेट में ज्यादा मौके मिल रहे हैं।